खबर अंबिकापुर से है, जहां कटनी गुमला नेशनल हाईवे पर एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने खस्ता हाल सड़कें यातायात व्यवस्थाओं को लेकर सड़क में टायर जलाकर चक्का जाम किया। दरअसल अंबिकापुर शहर में यातायात व्यवस्था सहित जिले के खस्ता हाल सड़कों को लेकर एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर के खरसिया नाग के पास नेशनल हाईवे 43 सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने टायर में आग लगाकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर पहुंचे सरगुजा एडिशनल एसपी विवेक शुक्ला ने पदाधिकारियों को समझाइश दी और विरोध प्रदर्शन को बंद कराया। वहीं एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने खस्ताहाल सड़कों पर काम नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। हमने दो दिन पहले एसपी मैडम पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया था ओवरलोड गाड़ियों को पार्किंग को व्यवस्था को सही करने के लेकर के। हमारी मांगों को लेकर के कोई भी सुनवाई नहीं की गई और ना ही उस पर कोई कार्रवाई की गई। दो दिनों के अंतराल में हमें आश्वासन दिया गया था कि पार्किंग व्यवस्था को सुधारा जाएगा, ओवरलोड गाड़ियों को रोड पर से हटा करके उनकी प्रॉपर व्यवस्था बनाई जाएगी, लेकिन इस चीज़ों में कोई भी कार्रवाई हुई नहीं है। दो दिनों के अंतराल में हमें आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई होगी इस पर, लेकिन अभी एनएसआई के लड़कों कुछ लड़के द्वारा जो है रोड है रोड में यातायात व्यवस्था के लिए जो गाड़ियां खड़ी रहती है उस पर हटाने के लिए जो इनको सांकेतिक विरोध किया गया है, इसके लिए हम लोग यातायात की टीम पूरी कार्रवाई कर रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।